कट्टर इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर, जी हाँ, इसके गिरफ्तार सदस्यों को जब कोर्ट में लाया गया तो कितनी कड़ी सुरक्षा थी, दिखाऊंगा। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप लोगों का विवान आज एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई तस्वीर आप लोगों के पास लेकर आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विशेष अदालत में बीते कुछ दिनों पहले MPATS के आतंकवाद पर किए गए बड़े प्रहार के तहत HUT हिज्ब उत तहरीर एक कट्टर इस्लामिक संगठन है और इसके जो सदस्य हैं उनमें से 16 सदस्यों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उन सभी 16 सदस्यों को 19 मई को यानी कि आज के दिन कोर्ट में जब पेश किया गया और उन्हें लाया गया, उस वक्त की तस्वीर आप लोगों की फ़ोन के स्क्रीन पर लगातार दिख रही होगी। सुरक्षा पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच जो जवान हैं वो इन गिरफ्तार सदस्यों को कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर भारी संख्या में तैनात थी। जो आला अधिकारी थे स्थानीय पुलिस के वो भी वहाँ पर तैनात थे। 1 से 1.5 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद 16 HUT के सदस्यों में से 10 को पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है और 6 को जेल भेज दिया है जुडिशियल रिमांड पर। HUT एक ऐसा संगठन है जिसका नेटवर्क बताया जाता है कि विश्व के 50 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। 15 से अधिक देशों में ये बैन है और लोकतंत्र को ख़त्म कर शरीयत कानून लागू करने जैसे नापाक कामों में ये संगठन लगा होता है। इसके जो सदस्य हैं ऐसे नापाक कामों में लिप्त पाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और वहीं ये जो संगठन है, ऐसा इस संगठन के लिए कहा जाता है कि हथियारों से ज़्यादा ये विचारधारा की लड़ाई में विश्वास रखता है। वहीं ये जो पूरी कार्रवाई MPATS की हुई उसके बाद धर्मांतरण की भी एक बड़ा एक जो धर्मांतरण का खुलासा है वो हुआ। और इन सब के साथ में बताया जाता है कि राजधानी भोपाल के बिल्कुल बगल वाले ज़िले रायसेन में इन सदस्यों की ट्रेनिंग हुई है, ये भी एक बड़ा खुलासा इनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। बता दें कि राजधानी भोपाल सहित छिंदवाड़ा और हैदराबाद से कुल 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल से गिरफ्तार किए गए HUT के सदस्यों में से कोई जिम ट्रेनर है तो कोई ऑटो रिक्शा चालक। इस प्रकार की हर अपडेट के लिए मैं लगातार बना हुआ हूं और MPATS ने आतंकवाद पर ये जो बड़ा प्रहार किया है इसकी चर्चा बीते कई दिनों से लगातार चल रही है। आप लोगों ने भी कई खबरें देखी होंगी इस प्रहार से जुड़ी हुई। कई खबरें जो आगे आएंगी, जो अपडेट्स होंगे वो मैं लगातार आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। भोपाल से आप सबका मैं विवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।